नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से अधेर की मौत। तिगरा थाना अंतर्गत गौरा 2 वार्ड संख्या 9 निवासी स्वर्गीय राम स्वरूप सिंह के 54 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह की रोड हादसा में मौत NH-28 मरसैती पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई। वहीं गौरा 2 के वार्ड संख्या 6 निवासी सुरेंद्र कुमार तांति की धर्मपत्नी पूनम देवी भी घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिलीप सिंह प्रत्येक दिन की तरह बुधवार के शाम में फुलवरिया अवस्थित कार्बन फैक्ट्री का काम करने के लिए साइकिल से जा रहे थे। मरसैती पेट्रोल पंप NH-28 के पास तेज रफ्तार से आ रही ऑटो कार की चपेट में आने से दिलीप सिंह का मौत घटना स्थल पर ही हो गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं गांव में मातम छाया हुआ है। घटना की सूचना पर तेगरा थाना में लाश को अपने कब्जे में करके तेगरा थाना ले गया। वहां कागजी प्रक्रिया करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि दिलीप सिंह घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। मृतक दिलीप की पत्नी भी 3 वर्ष पूर्व चल बसी, उन्हीं के ऊपर पूरे परिवार के भरण पोषण का जवाबदेही था। मृतक के घर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मुखिया पंकज पासवान, पूर्व उप मुखिया गिरीश राय सहित मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बढ़ाया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई मृतक के परिजनों के आवेदन के आधार पर होगी। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।